हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आज आपको बेली फैट यानी के टमी फैट, हमारे एब्डोमिनल पार्ट में जो फैट जमा होती है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रहे हो। ये फैट क्यों जमा होती है और उसकी वजह से हमको क्या क्या डिजीज हो सकते हैं और उसको हम लोग कैसे दूर रख सकते हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए जा रही हूँ, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। बेली फैट यानी के टमी फैट हमारे बॉडी के एब्डोमिनल पार्ट में जो फैट जमा होती है उसको कहते हैं। और दूसरी तरीके से मैं आपको समझाऊं तो वो हमारे बॉडी का जो मिडल पार्ट रहता है उसके पर जो फैट जमा होती है उसको हम लोग एब्डोमिनल फैट कहते हैं। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बॉडी के ऊपर बेली फैट है? तो उसके लिए हम मेजरिंग टेप से अपने बॉडी के मिडल पार्ट में यानी के हिप के ऊपर के पार्ट में माप करेंगे। और ये माप फीमेल में 35 इंच से ज्यादा और मेल में 40 इंच से ज्यादा आता है तो समझ लेना कि उसके बॉडी के ऊपर बेली फैट है। ये बेली फैट क्यों होता है तो उसके लिए मैं बताऊंगी कि उसके तीन मेन रीजन है। पहला है हमारी लाइफस्टाइल, दूसरा है हमारा खाना पीने और तीसरा है हमारी नींद। आजकल हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि हम लोगों का काम जो रहता है वो बैठे बैठे ही करने का रहता है, उसकी वजह से ही हमारे बॉडी में एब्डोमिनल फैट बढ़ता जाता है। और हम लोगों को खाना पीने का इंटेक भी ऐसा रहता है कि हम लोग टेस्टी फूड खाना पसंद करते हैं, ज्यादा जंक फूड खाते हैं और पानी का इंटेक भी कम होता है, ज्यादा अल्कोहल कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज्यादा यूज करते हैं। अगर हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, बैठे बैठे ही काम कर रहे हैं तो, और हमारा खाना भी जंक फूड ज्यादा रहता है तो हमारे बॉडी के ऊपर एब्डोमिनल फैट जमा होती है। बेली फैट का तीसरा कारण है इनसफिशिएंट नींद, यानी कि हम लोग पूरा रात का प्रॉपर नींद नहीं ले पाते हैं, या तो फिर हम लोग लेट नाइट तक काम करते रहते हैं या फिर लैपटॉप या टीवी के सामने बैठ के मूवीज देखते हैं, गेम खेलते हैं। और आजकल यंग जनरेशन में भी ये प्रॉब्लम हो रही है, वो लोग भी रात भर जागते रहते हैं तो उसकी वजह से भी बेली फैट बढ़ता है। ये बेली फैट की वजह से हमको हेल्थ रिलेटेड बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे बड़े दो डिसीज जो है कार्डियोवास्कुलर डिसीज यानी के हार्ट के रिलेटेड डिसीज और दूसरा टाइप 2 डायबिटीज होने की चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। ये बेली फैट की वजह से हमको हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस के अलावा हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस के पर भी उसका असर पड़ता है। ये बेली फैट की वजह से हमारा बॉडी का शेप बिगड़ जाता है और उसकी वजह से हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, हमारी पर्सनालिटी भी कम हो जाती है और उसकी असर हमारी हेल्थ के ऊपर भी पड़ती है। इसका असर मेल और फीमेल दोनों की हेल्थ के ऊपर पड़ सकता है। अगर हम चाहे तो हम अपनी हेल्थ को अच्छा बना सकते हैं और अपनी बेली फैट को भी कम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए हमको रोज का अपना डेली एक्टिविटी बढ़ा देना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करना चाहिए और रोज का एक 30-40 मिनट्स वॉकिंग या फिर एक्सरसाइज योगा एरोबिक्स वगैरह जरूर करना चाहिए। दूसरा, हमें हमारे खाने पीने की लाइफ में भी चेंजेस करना जरूरी है। हमको ज्यादा जंक फूड और टेस्टी फूड की बजाय हेल्दी फूड का इंटेक बढ़ाना चाहिए। हमारे खाने में हमको ज्यादा फाइबर रिच फूड लेना चाहिए और अलग अलग कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रोज लेना चाहिए, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में विटामिन हो, मिनरल्स हो और साथ में फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी हो। हमें प्रॉपर मात्रा में हमारे बॉडी के अनुसार पानी का इंटेक भी लेना जरूरी है और साथ में अल्कोहल और कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं लेना चाहिए। और तीसरा, हमें रोज का 6-7 घंटे का क्वालिटी नींद भी लेना चाहिए। अगर हम लोग ये सारी चीज फॉलो करते हैं तो हमें एब्डोमिनल फैट यानी के बेली फैट टमी फैट की समस्या नहीं होगी। अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हो तो ये सारी चीज जरूर फॉलो करना। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।